हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस चैप्टर का अगर वेटेज हम देखें तो सीबीएसई वालों के लिए जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं और आरबीसी में जो इस चैप्टर का वेटेज है वो 4 मार्क्स का है। इस चैप्टर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उसके स्टडीज करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज, जीएमपी दैट मीन्स उनको बनाते कैसे हैं एंड अदर इंपॉर्टेंट केमिकल्स रिएक्शंस के बारे में हम स्टडीज करेंगे। इस चैप्टर को अपन टू क्लासेस या टू पार्ट्स में क्लासीफाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट अपन कंसिडर करते हैं एल्डिहाइड कीटोन दैट मीन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड सेकेंड पार्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो लेट्स गो स्टार्ट दिस चैप्टर एंड फर्स्ट वी कंसिडर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो दिस चैप्टर इज क्लासिफाइड इन टू टू पार्ट्स। पार्ट फर्स्ट दैट इज पार्ट ए हम कंसिडर करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यस, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कलेक्टिवली नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर नोन एज कलेक्टिवली कार्बोनिल कंपाउंड्स। यस, कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन बेसिकली अपन कह सकते हैं। हाइड्रोकार्बन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें क्या हो? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हो। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप दैट मीन्स दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। यस, इन द केस ऑफ एल्डिहाइड्स This is a carbonyl functional group and this carbon is known as carbonyl carbon. This carbon is known as carbonyl carbon. If these two free valences of carbonyl carbons are satisfied or complete, one by alkyl group and another is a aryl group. Out of these carbonyl carbons ki two valences, one valence is complete or satisfied by alkyl or aryl group. This is a aryl or alkyl R group. And another valence is complete by hydrogen atom, H atom. Then this is considered as aldehydes. In the case of aldehydes, this is a carbonyl functional group. This carbon is carbonyl carbons. So out of these carbonyl carbons ki two valences, one valence is complete by hydrogen atoms and another is a alkyl or aryl group, then this is considered aldehydes. Yes, and in the case of ketones,
दिस इज कार्बोनल फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कार्बोनिल कार्बन, यस दिस इज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एटेच, वी नो कार्बन हैज फोर वैलेंसीज एंड थ्री वैलेंसीज है, इसको अपन ने क्या किया है फ्री रखा है. सो आउट ऑफ दिस टू वैलेंसीज वन वैलेंस बोथ वैलेंसीज आर कंप्लीट बाय एल्किल और एरिल ग्रुप्स, या वन एल्किल ग्रुप है एरिल ग्रुप, दिस इज आर एंड दिस इज आर डैश, और इट मे बी आर एंड ए आर, यस, और दिस इज बोथ आर ए आर, ए आर दैट मीन्स एरिल बेंजीन रिंग अटैच, दिस इज कीटोन्स, सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ हैव कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू दिस रीजन दिस आर कंसिडर्ड एज अ कार्बोनिल कंपाउंड्स. Aldehydes and ketones both have carbonyl functional group, so this is known as these are known as carbonyl compounds. Yes. If we consider ketone, classified ketones, there are two types of ketone. अगर हम ketones की बात करें, ketone को classified करें, तो ketone को हम further two class में classified कर सकते हैं. Simple ketone and mixed ketone. कीटोन को क्लासिफाई करना चाहते हम लिख सकते हैं सिंपल कीटोन, यस दिस इज ऑल्सो नॉन एज सिमेट्रिकल एंड मिक्स्ड कीटोन. दैट मीन्स एसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल. In the case of simple ketones, both alkyl groups are same identical. दोनों के दोनों alkyl group हो सकते हैं या दोनों के दोनों aryl group हो सकते हैं, और इसमें number of carbon जो होते हैं वो क्या होते हैं similar होते हैं. Example, दोनों methyl group है similar group है, so this is a simple ketone, symmetrical ketones. कार्बोनिल कार्बन के साथ जो अटैच टू एल्किल ग्रुप्स है बोथ ग्रुप्स आर सेम आइडेंटिकल ग्रुप, देन वी कैन से दिस इज अ सिंपल कीटोन और सिमेट्रिकल कीटोन. इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स टू एल्किल ग्रुप्स आर डिफर, वन एल्किल एंड वन एरिल भी हो सकता है, इट इज दोनों एरिल नहीं हो सकते हैं, वन एल्किल एंड वन एरिल हो सकते हैं, टू डिफर एल्किल ग्रुप्स हो सकते हैं, सच एज सी एच थ्री, this is unsymmetrical or mixed ketone, this is alkyl methyl and this is ethyl group, so two different groups, yes, so these types of compounds are known as carbonyl compounds, that is aldehydes and ketones are considered as a carbonyl compounds, yes. Now we start nomenclature of carbonyl compounds. हम क्या करें इनका नॉमनक्लेचर कर रहे हैं. नेमिंग और नॉमनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, यस मुझे यहाँ पे बार बार अलग लिखने की जरूरत नहीं, मैंने लिखा कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट मीन्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. सो फर्स्ट वी कंसिडर नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स.
वी नो देर आर टू सिस्टम्स ऑफ नेमिंग आर यूज. फर्स्ट वी कंसिडर कॉमन सिस्टम एंड अनदर इज आई पी सी सिस्टम. तो फर्स्ट अपन इसमें कंसिडर करते हैं कौन किस में कर रहे हैं, इन कॉमन सिस्टम. फर्स्ट कंसिडर किया हमने क्या क्या है, एलियड का नॉमनक्लेचर किया है कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग. एल्डिहाइड जो उसका नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं, इन दिस सिस्टम, इन दिस कॉमन सिस्टम एल्डिहाइड्स आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्जिलिक एसिड्स. एल्डिहाइड का नॉमनक्लेचर किया जाता है कॉमन सिस्टम में किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स है जो एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन करके बनता है उसके अकॉर्डिंग नाम करते हैं. एल्डिहाइड्स आर नेम्ड इन दिस सिस्टम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेम्ड ऑफ Yes, formed by their oxidation. Aldehyde का oxidation करते हैं उससे जो relative हमें corresponding carbo oxalic acid बनता है उसके according इसका nomenclature करते हैं. Yes, carbo oxalic acid से हम क्या कर रहे हैं, जो कार्बो का एक्सिलिक ऑक्जिलिक एसिड का जो कॉमन नेम होता है उस कॉमन नेम से हम क्या कर रहे हैं, एक एसिड है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किससे, रिप्लेस कर देते हैं किससे, एल्डिहाइड से. फ्रॉम कार्बोक्जिलिक एसिड एक एसिड इज सब्स्टिट्यूट बाय या रिप्लेस्ड एल्डिहाइड्स. यस, इफ वी कंसिडर एग्जांपल्स दिस इज अ एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड इज कॉमन नेम, दिस इज एसिडिक एसिड. This is acetic acid. So acetic acid is substituted by इसका जो corresponding aldehyde जो बनेगा क्या बनेगा, this is the corresponding aldehyde of acid, acetic acid या फिर aldehyde का corresponding carboxylic acid है. तो इसका जो एक acid इसको substitute कर देते हैं किससे, aldehydes. क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड. यस, सो कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसिटाल्डिहाइड. इफ वी कंसिडर फॉर्मिक एसिड, दिस इज फॉर्मिक एसिड. इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड क्या बनेगा, CHO. एक एसिड इज सब्स्टिट्यूट बाय एल्डिहाइड्स. यस, सो देयर नेम इज अ फॉर्मल्डिहाइड. Yes. Similar for the naming name of aromatic aldehydes. If we next consider example of aromatic aldehydes, this is benzoic acid.
एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड इज सो दिस इज बेंजोइक एसिड सो दिस इक एसिड इज सब्स्टिट्यूट बाय एल्डिहाइड क्या बनेगा बेंजल्डिहाइड Yes. So in this way we can nab of aldehydes in the common system. Yes. Now we consider longer chain containing aldehydes. Aldehydes have long chain containing carbons. Yes. Aldehyde जिसमें क्या हो कार्बन की क्या हो हाइड्रोकार्बन की क्या हो लॉन्ग चेन हो उस केस में और उस चेन के साथ में सब सब्स्टिट्यूट्स हो उस केस में इसकी नेमिंग कैसे करते हैं So aldehydes having long chain with substituents. इस chain के साथ में क्या हो कुछ substituent हो कुछ branches हो इनकी नेमिंग के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट है सब्स्टिट्यूट की पोजीशन को लॉकेट करने के लिए हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो ग्रीक वर्ड्स होते हैं उनको यूज लेते हैं वी यूज अल्फा बीटा गामा लैम्डा फॉर द लॉकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट्स This is aldehydes and this carbon is first carbon. जो aldehyde जो होता है carbonyl carbon जो होता है this carbon is considered as first carbon. First carbon के साथ जो बाद में जो attached carbon होता है this carbon is alpha carbon. This is a beta carbon. This is gamma carbon and this is lambda. Yes? इनके साथ जो भी नेम होता है जैसे जो भी ग्रुप होता है यहाँ पर जो भी ग्रुप है उस ग्रुप की नेम जो है उसकी पॉजिशन के अकॉर्डिंग हम बताते हैं अल्फा के साथ जो भी ग्रुप है बीटा के साथ जो भी ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें इसकी नोमेनक्लेचर करते हैं यस लाइक बीटा के साथ मिथाइल ग्रुप है तो इसकी हम नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या कर सकते हैं बीटा मिथाइल एंड 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है फाइव कार्बन को क्या बोलते हैं फाइव कार्बन का एसिड्स होता है उसको पेंटेनाइक एसिड बोलते हैं या एन पेंटेनाइक एसिड्स यस तो एन पेंटेनाइक एसिड का हम क्या करें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसको ऑइक एसिड को तो किस क्या बनेगा बीटा मिथाइल एन पेंटेनाइलाइड यस इस फॉर्म में अल्फा के साथ में जो भी सब्स्टिट्यूट होते हैं या फंक्शनल ग्रुप को उनको हम क्या करें इनकी पोजीशन को हम लॉक एंड करते हैं इसके अकॉर्डिंग यस दिस इज अ कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ एलियाइड्स नेक्स्ट वी सेकंड कंसीडर आईपीसी सिस्टम इन द आईपीसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं यस अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एल्डिहाइड्स आर नेम्ड Using the replacement of E from hydrocarbons, relative hydrocarbons by AL.
जो रिलेटिव हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका रिलेटिव हाइड्रोकार्बन्स का नॉमनक्लेचर करते हैं। लाइक वन कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें वन कार्बन है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का कॉमन नेम होता है मिथेन। मिथेन का ए जो होता है वो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं किसके थ्रू, अल से। यूजली हाइड्रोकार्बन के लिए मैं वर्ड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, एल्केन। यस, सो एल्केन का जो ए जो है इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं आईपीसी सिस्टम का अकॉर्डिंग अल से। दिस इज एल्केन अल। एल्केन यहाँ पे क्या कर रहा है, एल्क यहाँ पे रूट वर्ड है जो नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है। लाइक वन कार्बन है तो मैथ एथ प्रॉप, और उसके हिसाब से सब जो सफिक्स एड हो रहा है क्या होता है, ए एन ई, तो उस सफिक्स का ई जो है सबसे भी कहते थे किससे, अल से, क्या बनेगा, एल्केन अल बनता है। यस, इसमें क्या होता है ई जो होता है उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे फ्रॉम अल से। ए सब्स्टिट्यूट फ्रॉम अल ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। लाइक वी कंसिडर फर्स्ट कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड, दिस इज वी नो फर्स्ट कार्बन, वन कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स नोन एज मीथेन। मीथेन का हमने क्या किया, ई सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, अल से, क्या बना, मिथेनॉल। वन कार्बन का कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन इज नोन एज मीथेन। यस, मीथेन का हमने क्या किया है, ई सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, अल से, तो इसका आईपीसी नेम क्या बना, मिथेनॉल। टू कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन इज नोन एज इथेन। इथेन का ई सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, अल से, क्या बना, इथेनॉल। प्रोपेनॉल। और यहाँ पे वही पोजीशन जो होती है, अगर हमें कोई ब्रांच दे रखी, सब्स्टिट्यूट दे रखा है, फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, उस केस में हम क्या करें, वही लॉकेंड करेंगे इनको, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है, इसको लिस्ट नंबर क्यों फॉर्म में देंगे, प्रायोरिटी इसको देंगे 1 2, क्या बनेगा, 2-methyl propanol। टू मिथाइल प्रोपेन वन अल भी ले सकते हो, 2-methyl propanol भी ले सकते हो। यस, अब स्पेशल थोड़ा सा आपको लर्न क्या रखना है, इन द केस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, इन द केस ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स से उनका नेमिंग कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा मेन पॉइंट है। In the case of aromatic aldehydes, aldehyde को अपन नेम करते हैं किसका, कहते हैं aromatic में जो, जैसे बेंजीन रिंग है, हम यहाँ पे simplest aromatic compound जो बेंजीन है उसको ही कंसिडर कर रहे हैं। यस, बेंजीन के साथ जो रहेगा क्या, जो ग्रुप अटैच है उसको अपन नेम करते हैं किसके अकॉर्डिंग, कार्बो एल्डिहाइड इज यूज फॉर द नेमिंग ऑफ aldehydes। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को नाम देते हैं किसके अकॉर्डिंग, कार्बो एल्डिहाइड्स। कार्बो एल्डिहाइड इज यूज फॉर द नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड दैट मीन्स वही कार्बोनल ग्रुप, यस, वी कैन से एग्जांपल क
कॉमन नेम तो इसका क्या होता है, बेंजलियाइड होता है, बट आईपीसी नेम जो होता है बेंजलियाइड नहीं होता, इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन कार्बाइलियाइड। आईपीसी नेम क्या होगा, बेंजीन कार्बाइलियाइड होगा। और यहाँ पे अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए, आईपीसी ने क्या किया है, कॉमन नाम को भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेबल नेम है, तो आप बेंजलियाइड लिखोगे तो भी सही है। आईपीसी ये आप नाम प्रॉपरली नहीं लिख रहे हो, आपने बेंजलियाइड लिखा तो भी आपका नाम आईपीसी में राइट है, क्योंकि ये एक्सेप्शन जो है क्या क्या है, कॉमन नाम और आईपीसी नेम जो है दोनों ही क्या है, एक्सेप्टेबल नेम है। आईपीसी ने दोनों नेम जो है इसको क्या किया है, पहले एक्सेप्ट नहीं था बट इसको ये जो है 2002 के बाद में जो उसको क्या क्या है परमिशन दे दिया है, तो आप इसको भी ले सकते हो बेंजलियाइड, बेंजीनलियाइड, बेंजीनलियाइड। तो यहाँ पे दोनों ही नेम जो है वो क्या है, एक्सेप्टेबल नेम है। अल्फा बेटा या ऑर्थो पैरामेटा यूज़ नहीं लेना होता है, क्या लेंगे, नंबरिंग करेंगे, ये फर्स्ट और सेकंड कार्बन तो क्या लिखेंगे, टू मिथाइल, इसके रेफरेंस देखेंगे, यहाँ से नहीं करना है कि वन टू, रिंग में जो है इसकी पोजिशन कहाँ पे है, यस टू पे क्या है मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे, टू मिथाइल बेंजीन कार्बोनलियाइड या टू मिथाइल बेंजीनलियाइड। देखिए एरोमेटिक केस में जो है ये नेम जो हुआ क्या है, एक्सेप्टेबल है दोनों ही। इफ टू फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट दैट इज टू एलियाइड्स ग्रुप हो बेंजीन रिंग के साथ में, क्या लिखेंगे, कहीं से भी नंबरिंग कर दो, वन टू के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं, बेंजीन वन टू डाई कार्बोनलियाइड। बेंजीन वन टू डाई कार्बोनलियाइड। इफ एलियाइड जो होता है डायरेक्टली बेंजीन लिंक के साथ अटैच ना होके लॉन्ग चैन के साथ अटैच है, उस केस में हम नंबरिंग क्या करेंगे, मैरिटल चैन हमारी ये होगी वन टू थ्री, इसका यूज़ क्या लेंगे, कॉमन नाम यूज लेंगे, क्या होता है, फिनाइल होता है, तो क्या लिखेंगे, थ्री फिनाइल प्रोपेनलियाइड। सॉरी प्रोपेनॉल, एलियाइड कॉमन नाम है, थ्री फिनाइल प्रोपेनॉल। थ्री फिनाइल प्रोपेनॉल यस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है। नंबरिंग कास्ट करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट नंबर मिलना चाहिए, इफ फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन देन दिस कार्बन इज गेट लिस्ट नंबर, सो दिस कार्बन इज फर्स्ट टू थ्री फोर। अब बच्चे प्रॉब्लम यहाँ पे कर देते हैं कि इस कार्बन को चैन में कंसिडर नहीं करते हैं, ये सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, बट ये फिफ्थ वाला कार्बन होगा चैन का,
ये कार्बन इस चेन का ही पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो क्या बनेगा, फॉर वे क्या है, फिनाइल है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, सेकंड कार्बन पे है, और ये हमेशा डबल बॉन्ड जो होता है क्या होता है, सफिक्स के फॉर्म आता है, इसका सफिक्स क्या होता है, एन होता है। कितने कार्बन है टोटल, फाइव है, फोर फिनाइल पेंट टू एन। अब चाहो तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं पेंट टू एन वन अल लिख सकते हो, और आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, इनको अलग अलग ना लिख के, ये भी राइट है, फॉर फिनाइल पेंट। अगर आपको ऑप्शन कहीं दे रखा है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह दे रखा है, या फिर फॉर्मूलाज दे रखा है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, टू इन दैट मीन्स इसकी पोजिशन नहीं दे रखी इनल की, दैट मीन्स वो लिस्ट नंबर का ही होता है, वन पोजिशन पर ही होता है। यप, इस टाइप से हम इनकी नेमिंग जो होते हैं वो आईपीसी नॉमेनक्लेचर जो कर सकते हैं। ये हमने पढ़ा है एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर। नाउ वी कंसीडर नेमिंग ऑफ कीटोन्स। यस, कीटोन का नॉमेनक्लेचर वही टू सिस्टम्स, कॉमन सिस्टम, फर्स्ट का आंसर इन कॉमन सिस्टम, इन कॉमन सिस्टम कीटोन्स का हम नॉमेनक्लेचर कैसे कैसे करते हैं, एल्काइल एल्काइल कीटोन्स के फॉर्म में करते हैं, या तो एल्काइल एल्काइल कीटोन यूज लेते हैं, या फिर क्या लेते हैं, डाई एल्काइल कीटोन्स। यस, कॉमन सिस्टम हम क्या कर रहे हैं, वी नो कीटोन्स को हम टू क्लास में कंसिडर करते हैं, कौन से कीटोन्स होते हैं, टू क्लासेस, सिंपल कीटोन एंड मिक्स्ड कीटोन, दैट इज सिमेट्रिकल कीटोन एंड एसिमेट्रिकल कीटोन्स। फॉर द सिमेट्रिकल या मिक्स्ड सिंपल कीटोन, सिंपल कीटोन का नेमिंग कैसे करते हैं, डाई एल्काइल कीटोन। यस, डाई एल्काइल कीटोन। एंड मिक्स्ड कीटोन जो होता है उसके लिए क्या करते हैं, नेम एज एल्काइल एल्काइल कीटोन। कॉमन सिस्टम का अकॉर्डिंग एल्केन पे मैंने पहले बताया, क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, वन कार्बन है तो क्या हो गया, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट। यस, लाइक वी कंसीडर एग्जांपल्स CH3CO CH3, दिस इज अ सिंपल कीटोन, सिंपल कीटोन दैट मीन सिमेट्रिकल कीटोन, मीन्स टू एल्किल ग्रुप्स आर सेम। इस केस में हम इसका जो कॉमन नेम यूज लेंगे क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। यस, C6H5 बेंजीन रिंग है, फिनाइल ग्रुप से दोनों सेम है, तो इसका नाम क्या होगा, डाई फिनाइल कीटोन। This is common names. And now we consider mixed ketone, unsymmetrical ketone. Alkyl alkyl ketone two different alkyl group है, तो हम क्या करेंगे, जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको फर्स्ट लिखेंगे, अल्फाबेट ऑर्डर को भी फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि लॉन्गर चेन को पहले लिखते हैं या ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, बट अल्फाबेट में जो पहले आता है, अल्फाबेट में दिस इज अ मिथाइल ग्रुप
दिस इज इथाइल ग्रुप एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप, तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा? इथाइल मिथाइल कीटोन। यस, इथाइल मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज फिनाइल, बेंजीन रिंग है, फिनाइल है, तो फर्स्ट कौन आएगा? एम आएगा या पी आएगा? एम फर्स्ट आता है तो क्या लिखेंगे? मिथाइल फिनाइल कीटोन। यस, तो दिस इज अ कॉमन नेम ऑफ कीटोन्स, कॉमन सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ कीटोन्स। नाउ वी कंसिडर आईपीसी सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। इन द आईपीसी सिस्टम्स आफ्टर द नेम ऑफ अस कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन्स वी यूज, और ए ऑफ द एल्केन इज सब्स्टिट्यूट बाय ओ एनी ग्रुप ओन। इन आईपी सिस्टम कीटोन का हम आईपीसी सिस्टम का अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स होता है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स का जो हम क्या करें, ए जो होता है उस ए को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किससे? कौन से? ए ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स दैट इज एल्केन जो भी होता है इज सब्स्टिट्यूट बाय प्रीफिक्स, सफिक्स नॉट बाय प्रीफिक्स ओएनई। यस, सो कीटोन है, कीटोन में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट थ्री कार्बन्स होना कंपल्सरी है, तभी कीटोन बनेगा, अदरवाइज कीटोन नहीं बनेगा। सिंपलेस्ट कीटोन जो होता है थ्री कार्बन का अंडर कीटोन ही होगा। यस, लाइक वी कंसिडर दिस, सो वी नो थ्री कार्बन का अंडर सिंपल हाइड्रोकार्बन प्रोपेन, क्या होगा? प्रोपेन, मैथ एथ प्रोपेन, प्रोपेन का हम क्या करते हैं? ई सब्स्टिट्यूट कर दे किसे? कौन से? यस, थ्री कार्बन्स कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स है या एल्केन होता है उसको अपन प्रोपेन बोलते हैं, तो प्रोपेन का हम क्या करें? ई सब्स्टिट्यूट कर दे किसे? क्या बना इसका नाम? क्या होगा? प्रोपेनॉन। यस, दिस इज ऑल्सो नोन एज एसीटोन, ये भी ध्यान रखें, इसको अपन एसीटोन भी बोलते हैं। यस, फोर कार्बन्स को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई सब्स्टिट्यूट कर दे किससे? ओएनई से, क्या बना? ब्यूटेन ऑन। इसको आप पेंटेनॉन नहीं कहोगे, पेंटेनॉन लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको लॉकेट नहीं किया है कीटोनिक ग्रुप जो है, बट यहाँ पे आपको लॉकेट करना पड़ेगा कहीं से भी नंबरिंग कर दो। क्या बनेगा? पेंटेन थ्रीओन, या थ्री पेंटेनॉन भी लिख सकते, एक ही बात है। कुछ टीचर या बच्चे जो है ये लिखाते हैं, मैं बाद में इसको लिखता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी आप लिख सकते हो थ्री पेंटेनॉन।
और पेंटेन थ्री ऑन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। थ्री पेंटेन ऑन लिखी या पेंटेन थ्री ऑन लिखा, अगर आपने ओनली पेंटेन ऑन लिखा तो रॉन्ग होगा, बिकॉज पेंटेन ऑन क्या होगा, पेंटेन ऑन का मीनिंग होता है यहाँ पे हमेशा सेकंड पोजिशन पे होगा। जब तक आपको इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे, लॉक एंड नहीं दे रहे हो कीटोनिक ग्रुप को, तब तक उसको सेकंड पोजिशन पे ही माना जाएगा। यस, अब यहाँ पे इसको पेंटेन टू ऑन या टू पेंटेन ऑन लिखना जरूरी नहीं है, अब इसको आप लिख सकते हो क्या पेंटेन ऑन। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि पेंटेन टू ऑन लिखो, नहीं लिखा मतलब ये एटलीस्ट टू पोजिशन पे होगा तभी ही कीटोन बनेगा, अदरवाइज कीटोन नहीं बनेगा। अगर हम नेक्स्ट कीटोन को कंसिडर करें जिसमें क्या है एरोमेटिक बेंजीन रिंग भी अटैच हो रही है, क्या बनेगा, नेम क्या होगा इसका, इसको हम एसिटोफिनोन भी बोलते हैं, एसिटोफिनोन भी बोलते हैं। ये आपको लर्न करना है एसिटोफिनोन, दोनों के दोनों बेंजीन रिंग है, फिनाइल रिंग है, क्या बनेगा बेंजोफिनोन। डाइफिनाइल नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे बेंजोफिनोन, फिनो बेंजोइक नहीं लिखोगे, बेंजोफिनोन लिखोगे। यस, तो ये इसके कुछ स्पेशल जो नॉमिंग है, नेमिंग है, आपको लाइन रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है। यस, तो इस टाइप से हम इनके जो है कार्बनल कंपाउंड से एलियन और कीटोन से उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है क्या है, जीएमपी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं, बनाने के मेथड्स कौन कौन से हैं। यस, इसके बारे में जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।